दोस्तों पहले बात कर लेते हैं बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर उम्मीदवार बेनीवाल है वो 32,636 वोटों की है जो लीड लेकर चल रहे हैं। लगातार सुबह से ही है जो उम्मीदवार बेनीवाल वो लीड में चल रहे हैं। उम्मीदवार बेनीवाल को बात करें वोटों की तो 352,079 वोट मिल चुके हैं। और वहीं रविंद्र सिंह भाटी की बात करें तो 319,443 वोट। वहीं तीसरे नंबर पर रह रहे कैलाश चौधरी की बात करें तो 152,284 वोट मिले है। सुबह से ही जब काउंटिंग शुरू हुई थी तब से ही उम्मीदवार बेनीवाल है तब से लीड में चल रहे हैं और अब तक लीड में ही चल रहे हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं एक दो अपडेट, वो है राजेंद्र जोगी जहां से प्रत्याशी जीते, उत्तर प्रदेश की नगीना सीट जहां से जो चंद्रशेखर रावण जो है वो जीत चुके हैं, और मंडी लोकसभा सीट जहां पर सबकी नजर थी क्योंकि बॉलीवुड एक्ट्रेस जो कंगना रनौत जो है वो वहां से चुनाव लड़ रही थी मंडी से, और विक्रमादित्य थे उनके सामने मुकाबले में। तो कंगना रनौत जो है मंडी की सीट से चुनाव जो है वो जीत चुकी है। और वहीं अगर अपन बात करें और भी जो लोकसभा सीट है, अभी जयपुर ग्रामीण से खबर आ रही है कि वहां पर राव राजेंद्र सिंह जो है वो जीत चुके हैं बिल्कुल, और जीते हुए जो कैंडिडेट है काफ़ी राजस्थान में अभी कांग्रेस और बीजेपी दोनों का खाता खुलना शुरू हो चुका है क्योंकि अभी 1:30 बजने को आए हैं। और जोधपुर की अगर बात करें तो गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वो करीब 32,248 वोट की लीड के साथ आगे नजर आ रहे हैं। और वहीं हनुमान बेनीवाल जो है वो 43,780 की लीड से नागौर में जो है अभी आगे नजर आ रहे हैं। वही हनुमान बेनीवाल की बात करें तो उनके घर पर तो जीत का जश्न भी शुरू हो गया है, हजारों की तादाद में लगातार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही है। हनुमान बेनीवाल के घर के आगे लोगों की भीड़ का जो जमावड़ा है वो शुरू हो गया है, लगातार जीत का जो जश्न भी शुरू हो गया है हनुमान बेनीवाल के घर। और अभी बात करें उम्मीदवार बेनीवाल की तो उनकी लीड है जो 27,313 मतों से है जो लगातार उम्मीदवार बेनीवाल आगे है। और वहीं बात करें भाजपा के कैलाश चौधरी है जो लगभग रेस से बाहर हो चुके हैं इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट, और वहीं रविंद्र सिंह भाटी है जो दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। बिल्कुल, अगर बात करें आप जैसे बताएं कि हनुमान बेनीवाल के घर जश्न का माहौल जो है वो भी शुरू हो गया है, वाकई काफ़ी जो है उनको मतलब ज़्यादा भरोसा है कि वो जीत जाएंगे हनुमान बेनीवाल, क्योंकि लगातार उनको अपडेट जो मिल रही है कि वो आगे नज़र आ रहे हैं। तो वहीं अगर जो जीते हुए प्रत्याशी में बात करें तो एक सीट आपने देखी होगी जालौर सिरोही की सीट जहाँ पर लूमाराम चौधरी भाजपा के प्रत्याशी और वैभव गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे भी जोधपुर में एक बार हारे तो जालौर में उनको टिकट मिली, वहाँ पर बुरी तरह से वैभव गहलोत जो एक लाख प्लस से लूमाराम चौधरी जीत दर्ज की है। आप भी गए होंगे वहां पर, माहौल ही वैसे भी वैसे ही था क्योंकि मोदी फैक्टर वहां पे ज्यादा काम किया, क्या कहते हो उस पर? किस पर मैं बताऊं कि आपको जो जालौर सिरोही लोकसभा सीट है वहाँ पर तो खुले तौर पर लोगों का पहले से कहना था कि अगर जोधपुर में जो अशोक गहलोत के पुत्र है वैभव गहलोत वहाँ पर भी नहीं जीत पाए तो यहाँ पर कैसे जीत सकते हैं। हाँ बिल्कुल, कि उनके गृह जिले में ये ज़्यादा लोग बोल रहे थे, और लूमाराम चौधरी जमीन से जुड़े हुए नेता है। वहीं इसी बीच एक किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफे की जो खबर चल रही है जोरों शोरों पर चल रही है कि क्या किरोड़ीलाल मीणा जो है वो इस्तीफा दे सकते हैं। सोशल मीडिया पर जो तरह तरह के ट्वीट आ है, किरोड़ीलाल मीणा ने एक ट्वीट करा, वो ट्वीट जो है उनका बहुत ज्यादा चर्चाओं में रह रहा है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए। तो लोग जो है अभी चर्चाओं में चल रहे हैं किरोड़ीलाल मीणा कि क्या किरोड़ीलाल मीणा जो है वो अपना इस्तीफा दे सकता है। वहीं आपको बता दें कि करौली धौलपुर की जो सीट है वहां से कांग्रेस जो है वो चुनाव जीत चुकी है। और वहीं जो ये लगातार नतीजे आ रहे हैं कुछ नतीजे चौंकाने वाले हैं, कंगना रनौत मंडी से हो चुकी है, हां क्योंकि वो पहली बार को टिकट मिली है, नया चेहरा था वहां पर, विक्रमादित्य का काफी अच्छी हाइप थी लेकिन कंगना रनौत ने वहां पर जीत दर्ज कर दी है, तो ये चौंकाने वाले नतीजे भी हैं। और उसके साथ साथ ही जयपुर ग्रामीण का बता दे वहां से राजेंद्र राउत जीत उन्होंने हासिल कर दी है, उसके बारे में आप साफ तौर पे थोड़ा खुलकर बताइए कि वहां का क्या माहौल था। बिल्कुल, अगर जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट की बात करें तो अनिल चोपड़ा और राव राजेंद्र सिंह के बीच में मुकाबला था, और अनिल चोपड़ा एक युवा नेता है, छात्र राजनीति से निकल करके आए। ग्रामीण जो जयपुर ग्रामीण है उसमें विधानसभा ज्यादातर ग्रामीण वाली क्षेत्र वाली है, तो वहां पर थोड़ा कांग्रेस की जो हाइप है वो ज्यादा थी, तो ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं अनिल चोपड़ा जो है वो आगे निकल सकते हैं। लेकिन क्या कहना, लोग जो वोटर्स जब वोट देते हैं तो वो अपने मन के हिसाब से देते हैं, और खबर आ रही कि राव राजेंद्र सिंह जो है वो वहां से जीत चुके हैं। एक और अपडेट सामने आ रही है श्री गंगानगर हनुमानगढ़ सीट से कांग्रेस के कुलदीप इंदौरा ने जीत हासिल कर दी है, सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। और उसके साथ साथ ये बता दें आपको कि लगातार है जो
नागौर के आरएलपी प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल की जश्न की वीडियो सामने आ रही है। और बाड़मेर की बात करें तो उम्मीदवार बेनीवाल लगातार लीड लेते हुए चल रहे हैं। और वहीं भाजपा प्रत्याशी कैलाश चौधरी है जो इस मैदान से बाहर हो चुके हैं। सबसे बड़ी अपडेट लगातार बिल्कुल इस बार मैं एक बात बताना चाहूंगी कि इस बार जो कैलाश चौधरी बिल्कुल रेस से अलग हो गए हैं, क्या ये हो सकता है कि उम्मीदवार बेनीवाल और रविंद्र सिंह भाटी जब दोनों मैदान में इनके बीच में तकरार चल रही है, ये सीधे तौर पर हम मान सकते हैं कि रविंद्र सिंह भाटी के कारण ही कैलाश चौधरी जो है वो इतने पीछे गए हैं। हाँ, यही कारण रहा है कि रविंद्र सिंह भाटी ने निर्दलीय चुनाव लड़ा, उनको मनाने की भी खूब कोशिशें की गई थी परंतु वो नहीं माने, तो इस वजह से कहीं ना कहीं जो कैलाश चौधरी को है जो वोटिंग चल रही है 1 बजे के आसपास ही कहीं ना कहीं वो मैदान से बाहर हो चुके हैं। सबसे बड़ी अपडेट तो ये है कि उम्मीदवार बेनीवाल करीब 30,000 के करीब है जो आगे चल रहे हैं। बिल्कुल वही, सुबह से ही उम्मीदवार बेनीवाल जो है वो आगे चल रहे हैं और रुझान जो है लोग भी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी जो है वो ले रहे हैं। अभी अगर आप बताएं तो उम्मीदवार बेनीवाल जो है 26,166 वोट से जो है वो बाड़मेर जैसलमेर में आगे नज़र आ रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें। और जब जो राजकुमार रोत है बांसवाड़ा से वो भी जो है आगे नज़र आ रहे हैं, लोकप्रिय नेता है सबके। अभी तरह तरह के कयास लगाए जाएंगे क्योंकि कुछ ऐसे परिणाम जो है बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले भी होते हैं। और वही जोधपुर से बात करें जो गजेंद्र सिंह शेखावत की बढ़त है जो लगातार बरकरार है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने जो 40,176 वोटों से लगातार आगे चल रहे। कहीं कहीं जब वहाँ पर टिकट मिली थी कर्ण सिंह उचियाड़ा को तो लोगों का कहना था कि इस बार गजेंद्र सिंह शेखावत नहीं निकल पाएंगे, परंतु बाद में कुछ ऐसा हुआ कि कुछ दिन पहले सर ने भी बताया था कि कर्ण सिंह उचियाड़ा के कुछ ऐसे बयान वायरल हुए जिस वजह से उनका पूरा माहौल बिगड़ गया और इस तरह वोटिंग हुई थी कि गजेंद्र सिंह शेखावत की होगी। अभी यह जो लगातार बढ़त चल रही है 40,000 वोटों से। हाँ बिल्कुल, कर्ण सिंह उचियाड़ा जब एकदम आते ही उनका अच्छा खासा माहौल, चुनाव वाकई उन्होंने अच्छा लड़ा था क्योंकि उनके जो स्पीच है बहुत ज़्यादा वायरल हुए थे। लेकिन कहीं ना कहीं उनसे यह भी कि स्पीच में वो गए कि आपने देखा ताव में कुछ ज़्यादा बोल देते थे तो लोग फिर उसको लेकर के विरोध भी करने लग गए थे। वाकई ये परिणाम तो जो आ रहे हैं, हर नतीजे जो किस तरह से आ रहे हैं, कौन आगे से आगे है, कौन पीछे है, कौन कैसे किस तरीके से जीत रहा है, क्या मार्जिन है, और सारी अपडेट जो है द खट्टा के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे। तो जुड़े रहिए द खट्टा के साथ। शुक्रिया।